का हर देश में एक नियम होता है कि प्रोटोकॉल क्या है। ये एक आश्चर्यजनक घटना है कि जहां पूरा विश्व WHO और देश भर और विश्व के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए, हमारी सरकार ने 20 मार्च तक टेस्टिंग का जो नियम बनाया उसमें सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की और विदेश से लौटे हुए उन लोगों का टेस्ट कराने का अप्रूवल दिया जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे। ये 20 मार्च के बाद उन्होंने नियम बदला कि जिनमें सिम्टम्स नहीं है, यानी कि बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, सांस लेने में तकलीफ है, उनकी टेस्टिंग 20 मार्च के बाद से शुरू हुई। इस देश में अगर कोरोना वायरस को रोकना है हमारे देश में, तो दिया जलाने के साथ साथ टेस्टिंग प्रोटोकॉल में संशोधन लाने की जरूरत है, उसको और ब्रॉड बेस करने की जरूरत है, वरना राज्य सरकार टेस्टिंग अगर करना भी चाहे इस प्रोटोकॉल की वजह से उनके काम में बाधा आ रही है। हमारा आठवां सवाल, आज देश की जनता समझ रही है कि टेस्टिंग कराने से ही हम कोरोना वायरस से रोक सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए जिसको वायरस है उसको टेस्ट के बाद पता चलेगा और उसको आइसोलेट करके उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको आइसोलेट करने की जरूरत है। यही एक अस्त्र है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। परंतु ये दुख की बात है कि अगर जो नागरिक टेस्टिंग कराना चाहता है वो कैसे कराएगा। आज आयुष्मान के जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए टेस्टिंग को निशुल्क जरूर कराया गया है, पर आयुष्मान में सिर्फ 50 करोड़ लोग करीब आते हैं। पर क्या ये नियम नहीं होना चाहिए, क्या ये सुविधा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नागरिक अगर अपना टेस्ट कराना चाहिए उसको निशुल्क इस टेस्ट को कराने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ डॉक्टर और नर्स अकेले नहीं लड़ सकते, हम सबको टेस्टिंग करा के इस युद्ध में जुड़ना है। इसलिए सरकार से हमारा आठवां सवाल कि आप टेस्टिंग को हर व्यक्ति जो कराना चाहता है टेस्टिंग उसके लिए निःशुल्क कराने की आप जिम्मेदारी लीजिए।